आरोग्य जागृति। दोस्तों, कोरोना के टेस्ट को लेकर हम बहुत कंफ्यूज है। कोई कहता है रैपिड एंटीजन टेस्ट करो, तो कोई कहता है आरटीपीसीआर टेस्ट करो। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट ये क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना के जांच के लिए मुख्यतः दो टेस्ट है जिसका ज्यादा उपयोग होता है। नंबर एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसे हम स्वैब या रैट टेस्ट भी कहते हैं। नंबर दो आरटीपीसीआर, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों टेस्ट कब और किस स्थिति में की जाती है, ये हमें बता रहे हैं औरंगाबाद यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उन्मेश टाकड़कर जी। और साथ ही जानेंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद क्या फिर से टेस्ट करना जरूरी है। कोविड के लिए जो आमतौर से टेस्ट किए जाते हैं वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट। अभी इसमें क्या डिफरेंस है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो जल्दी मिलता है, 15 से 20 मिनट के टाइम में वो टेस्ट का रिजल्ट आता है। मास स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट बहुत ही फायदेमंद है। और ये अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को पक्का कोरोना है, उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये पक्का टेस्ट नहीं है। और ये आरटीपीसीआर टेस्ट एंटीजन टेस्ट जब नेगेटिव आता है तो आरटीपीसीआर टेस्ट कन्फर्मेशन के लिए करना ज़रूरी है। ये आरटीपीसीआर टेस्ट को कम से कम 8 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोड जो लैबोरेटरी के ऊपर है। और ये टेस्ट में आपके साइकल्स गिने जाते हैं, जो आरएनए डीएनए के जो साइकल्स मैच करते हैं वो अगर आपके वायरस का डीएनए आरएनए जो भी वो मैच करते हैं, जो अपने से इससे मैच हो गया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो वो डिटेक्ट करने के लिए ये करते हैं। उसमें भी एक सीटी स्कोर आता है, किसी का सीटी स्कोर 15 है, किसी का सीटी स्कोर 20 है, किसी का सीटी स्कोर 30 है। तो आईसीएमआर के गाइडलाइन के ऊपर से 35 के नीचे वाला जो सैंपल है स्कोर का वो पॉजिटिव माना जाता है। उसके ऊपर उसकी तीव्रता नहीं होती है कि अगर 35 वाला स्कोर आया तो ये ज़्यादा काम करेगा, ये 15 वाला आया तो कम काम करेगा। जो सीटी स्कोर आरटीपीसीआर का है, एक्सरे का सीटी स्कोर या सीटी स्कैन का सीटी स्कोर ये अलग है, वो सीटी स्कैन में होता है, लेकिन आरटीपीसीआर में भी एक स्कोर आता है। तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और अपने को अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो पेशेंट पक्का पॉजिटिव है। कुछ कुछ केसेस में 10% में या 20% में 15% में पेशेंट को सीटी स्कैन के ऊपर फाइंडिंग होते हैं, ब्लड में फाइंडिंग होते हैं, सीआरपी बढ़ा हुआ है, डी डाइमर बढ़ा हुआ है, लिम्फोपेनिया है, और सीटी स्कैन पे फाइंडिंग है, फिर भी उसका आरटीपीसीआर कभी कभी नेगेटिव आता है। इसको हम सारी बोलते हैं, और कोविड सदृश बीमारी या फिर वो भी फिर भी कोविड रह सकता है, उसका आरटीपीसीआर 4-5 दिन से भी पॉजिटिव आ सकता है। कि ये डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज़। कोरोना के दो स्टेजेस है, 1 से 6 दिन और 6 से 12 दिन। तो ये कौन से स्टेज में आप आरटीपीसीआर करते हो, या फिर आपने पहले ट्रीटमेंट ली है नहीं ली है। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है और आपने 5 दिन के बाद इंजेक्शन के बाद अगर आरटीपीसीआर किया है तो कभी वो नेगेटिव भी आ सकता है, फिर भी आप कोरोना के पेशेंट हैं। तीसरा, एक बार टेस्ट आरटीपीसीआर का पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव करने के चक्कर में बार बार आरटीपीसीआर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आईसीएमआर के गाइडलाइन ने दिया है। ये 4 तारीख का ही गाइडलाइन है आईसीएमआर के, कि जिन्होंने इसमें ऊपर पक्का लिखा है कि एक बार पॉजिटिव आया तो नेगेटिव के लिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आया तो आरटीपीसीआर करने की ज़रूरत नहीं, अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है तो ही आरटीपीसीआर करना ज़रूरी है। तीसरा, इन्होंने ये भी लिखा है कि डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं, ऐसा ये गाइडलाइन में है। लेकिन ये गाइडलाइन अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लोकल अथॉरिटी के आदेश के अनुसार ये थोड़ी बहुत बदल सकती है, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि रैपिड एंटीजन का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, जल्दी उसका रिजल्ट आता है,
लेकिन वो निगेटिव हुआ तो ये मत समझना कि अपन निगेटिव है। अपना RT-PCR करना ज़रूरी है, और RT-PCR और रैपिड एंटीजन अगर दोनों निगेटिव है तो फिर कोरोना का होने की शंका बहुत कम है, आशंका कम है। तो ये RT-PCR और एंटीजन के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके वजह से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक बार कोरोना का ट्रीटमेंट लिए तो RT-PCR 1 महीना 1.5 महीना तक पॉजिटिव आ सकता है, वो डेड वायरस रहता है, तो उसकी फिक्र नहीं करो। अगर आप कोरोना से अच्छे हुए हैं, 10-15 दिन का ट्रीटमेंट में आप ठीक हो, तो बार बार RT-PCR करके निगेटिव कब होता है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद वैसे भी आप किसी को, या फिर वायरस आपसे किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है, तो उसकी इन्फेक्टिविटी चली जाती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। कोविड पेशेंट घर में डेथ होता है, उसके घर में 8 लोगों का मेंबर है घर में, और इमीडिएट उसका एंटीजन किया जाता है, उसमें निगेटिव आता है कुछ लोगों का, तो उनका एक कहना है कि हम यहाँ पे निगेटिव, फिर पॉजिटिव कैसे आया, ये गलत फहमी है। एंटीजन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एंटीजन में 50-60% चांस है कि वो, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो वायरस डिटेक्ट कभी नहीं होता है, जब होता है तो पक्का है, नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। वो कन्फर्मेशन RT-PCR से ही आएगा, उसको टाइम लेगा, तो वो टाइम लेने के बाद ही वो RT-PCR अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट पॉजिटिव ही समझा जाएगा। सर, HRCT में अगर जो पॉइंट्स है तो उसके जो परसेंट रहता है, किसका 10 रहता है, किसका 15 रहता है, किसका 20 रहता है, हाई से हाई कितना डेंजरस है? HRCT का जो स्कोरिंग सिस्टम है, इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की ग्रेड्स उन्होंने दिए हैं। 9 के नीचे जो रहता है वो माइल्ड वैरायटी है, 9 से 15 के बीच में जो 16 के बीच में है वो मॉडरेट वैरायटी है, और 16 के ऊपर का जो स्कोर है in 25, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ लंग कितना इन्वॉल्व है उसमें, ये वो बताता है। अगर आपका 9 से कम है तो काफ़ी अपना लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, अगर 9 से 16 है तो 50% के ऊपर का लंग इन्वॉल्वमेंट है, और 16 से 22, 25, 23 है तो ऑलमोस्ट 80-90% लंग अफेक्टेड है। ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है, वेंटिलेटर लगता है, ये सभी चीज़ें उनको लगती है। सर, आखिरी सवाल ये है कि कोरोना के पेशेंट ट्रीटमेंट होने के बाद एज ए अंको सर्जन, ऐसे कौन से पार्ट के ऊपर अपने इफेक्ट करता है आगे? कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो काफ़ी आ चुके हैं अभी। कोरोना का प्रेजेंटेशन ही डायबिटीज़ हो सकता है, पैंक्रियाज के उसका अफेक्शन है, लेकिन कोरोना से न्यूरोलॉजिकल अफेक्शन है, ब्रेन के अंदर उनका अफेक्शन होता है। कोरोना से हार्ट अटैक आने की काफ़ी संभावना है, काफ़ी लोगों में परसेंटेज काफ़ी कम है। तीसरा, कोरोना से म्यूकर माइकोसिस, बोले तो जो फंगल इन्फेक्शन है, जो डायबिटिक पेशेंट्स है जिनको स्टीरॉयड दिया जाता है, उसके वजह से भी ये स्टीरॉयड और डायबिटीज़ की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से म्यूकर माइकोसिस नाम का बीमारी वो हो रहा है। एक्सट्रीम वीकनेस काफ़ी लोगों को देखने में पड़ा है। बाद में जो पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं, हम काफ़ी दिन स्टीरॉयड मिला है, उनको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तीसरी बात, वीकनेस और लैरिंग्स का, स्वर यंत्र जो है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, लैरिंजाइटिस है, स्पाजम है, उसका एडिमा हो जाता है। ये काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट कोरोना इफेक्ट है, जिसके वजह से हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं कोरोना के होने के बाद भी हार्ट अटैक आने के लिए। एस्पिरिन का गोली है, क्लोपिडोग्रेल का गोली है। दूसरा, अपना जो फैट परसेंटेज है वो कम करने के लिए हम रोजवास्टैटिन का गोली है, जो भी गोली इसेंशियल है पेशेंट को, वो सभी गोली 2 से 3 महीने खाने की सलाह हम पेशेंट को देते हैं।